अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ख़वातीन हज़रात प्यारे प्यारे बच्चों, मैं हूँ उज़्मी और मैं हूँ बरकत अली और हमारे साथ मौजूद हैं आमिर यामी। आज की खबरों के साथ हम लोग हाजिर खिदमत हैं। सबसे पहली खबर, एक खबर के मुताबिक हमारे सरकारी स्कूलों के टीचर्स को देखिए, ऐसा लगता है जैसे पहले वो मजदूर थे और वहां से सस्पेंड होकर स्कूल के टीचर हो गए हों। जी, कहते हैं अगर आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड अगर आपसे दोबारा दोस्ती करने को कहे तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अगवा करने वाला आपको छोड़ने के बाद कहता है या रास्ते में रहना। एक जगह पाकिस्तान से बाहर की फैक्ट्री में लड़कियों के लिए नोटिस लगा हुआ था, अगर आपकी स्कर्ट लंबी है तो इंजन से बचिए और अगर छोटी है तो इंजीनियर से बचिए। जी, हाल ही में हमने एक साहब से पूछा ये खुशी क्या होती है। उसने कहा जब बीवी प्रेग्नेंट हो। मैंने कहा डर क्या होता है? वो कहने लगा जब गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो। मैंने कहा खौफ क्या होता है? कहने लगा जब दोनों प्रेग्नेंट हो। मैंने कहा हादसा क्या होता है? कहने लगा जब पता लगे कि आप दोनों के बाप नहीं हो। एक खबर के मुताबिक अगर दरख्तों से ऑक्सीजन की जगह वाईफाई मिलता तो हर इंसान अपने घर में एक दरख्त जरूर लगाता। एक लड़का इंटरव्यू के लिए गया, रिजेक्ट हो गया। लड़की इंटरव्यू के लिए गई, सिलेक्ट हो गई, फॉर द सेम रीजन। दोनों की शर्ट का पहला बटन खुला हुआ था। जी, कहा जाता है कि लोड शेडिंग की वजह से आबादी में कमी हुई है। लोड शेडिंग की वजह से बड़े बच्चे सोते नहीं हैं और नए बच्चे होते नहीं हैं। जाने से पहले एक मैसेज, दरख्तों से भी उतना ही प्यार करो जितना दरख्तों के पीछे जाके करते हो। और जी, मेरा भी एक मैसेज है कि दुनिया में वालदेन से बढ़कर कुछ भी नहीं, इसलिए जल्दी से शादी करो और वालदेन बन जाओ। और इसी के साथ आज की हमारी खबरों का वक्त खत्म हो गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए। अल्लाह ने के बाद।